नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी सावन मास के आखिरी सोमवार के विषय में। आप सभी लोग जानते हैं कि अब सावन मास धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इसका आखिरी सोमवार 28 अगस्त को पड़ रहा है, साथ ही साथ प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। तो बहुत ही शुभ संयोग है, बहुत ही अच्छा दिन है। और वैसे भी इस बार सावन माह पूरे 2 महीने का था, तो अंतिम सोमवार में आप लोग ऐसा क्या करें जिससे कि आपको संपूर्ण सावन माह का पुण्यफल प्राप्त हो सके। जो भी कमी रह गई हो, जो भी दिक्कत रह गई हो, मान लीजिए किसी परिस्थिति बस आप कुछ ऐसा नहीं कर पाए हो जो आपके मन में था कि मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा, सावन माह में ये करूंगा, भगवान जी को ये अर्पित करूंगा, वो अर्पित करूंगा या करूंगी, तो ये सारी कसर, सारी कमी आप इस जो आखिरी सोमवार है इसमें पूरा कर दीजिए। 10 ऐसे कार्य मैं बताऊंगी, इसमें से अगर 10 के 10 आप नहीं कर सकते हैं तो जितना भी आप कर सकते हैं या कर सकती हैं अवश्य कीजिएगा। आपकी जो संपूर्ण सावन माह का जो पुण्य है, धर्म है, वो सारा आपका पूर्ण हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा दिन है प्रदोष और सावन का सोमवार, 2 महत्वपूर्ण जो है व्रत वो एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं सारी बातें। आप लोग यदि व्रत रख रहे हैं तब भी ये कार्य आप कर सकते हैं, व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो सारी बातों को समझ लीजिएगा और आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपका सावन का जो पूरा कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। आप सभी लोगों को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए एक एक करके सारी बातें जानते हैं। सबसे पहली बात, तो जब बात आती है कि सावन सोमवार का उद्यापन, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो सावन सोमवार का उद्यापन की बात होती है, मान लीजिए आपकी धीरे धीरे अवस्था ढल गई है या आपने बहुत ही दिनों तक सावन सोमवार का व्रत रखा है और आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि अब मैं अगले वर्ष से नहीं रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगी, तो इस स्थिति में सावन सोमवार का उद्यापन किया जाता है। तो वैसे भी मैं उद्यापन की बात करूं, यदि ऐसी बात है तो आप इस वर्ष नहीं कर सकते हैं क्योंकि मलमास है। और वैसे साधारण रूप में आप प्रत्येक वर्ष हर सावन में आप सावन सोमवार रख रहे हैं तो इसमें विशेष उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। 16 सोमवार जो लोग रख रहे हैं उनको उद्यापन करना अनिवार्य होता है। पहली बात तो ये है। आप लोग जो भी मैं बता रही हूं ये 10 बातें ये आखिरी सोमवार पे कर लीजिए तो समझ लीजिए कि आपका उद्यापन हो गया। और पूर्णतया उद्यापन करना है तो ये आप लोग अगले वर्ष कर सकती हैं, जो ऐसी अवस्था में है कि अब व्रत नहीं धारण कर सकते हैं। तो ये बात तो उद्यापन के विषय में क्लियर हो गई। अब आइए एक एक करके मैं बताती हूँ। आप लोग पूरे सावन माह में जितना भी कर पाए हैं बहुत अच्छी बात है। इस आखिरी सोमवार को 1 साबुत नारियल लीजिएगा, पहला कार्य। 1 साबुत नारियल जटा वाला, पानी वाला लीजिएगा, उसे तोड़ना नहीं है। उसमें 1 कलावा लपेट कर, आप व्रत रखे हैं तब भी, नहीं रखे हैं तब भी, ले जाकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में अर्पित कीजिएगा और अपना शीश झुकाकर उनसे अपनी मनोकामना अवश्य कहिएगा। और जितनी भी सावन माह में जो भी आपसे कमी, गलती, त्रुटि हुई है उसकी क्षमा मांगते हुए आप अपनी मनोकामना कहेंगे तो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ जी आपकी इच्छा को, आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। दूसरा कार्य मैं बताती हूँ। वैसे तो हर सोमवार को सावन में प्रत्येक दिन लोग करते हैं, नंदी जी से अपनी मनोकामना आप लोग जरूर कहिएगा इस आखिरी सोमवार पर। नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले आप लोग एक बार ओम नमः शिवाय, स्त्री हैं तो नमः शिवाय बोलने के बाद आप अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा सावन के आखिरी सोमवार पर। इस दिन प्रदोष भी है। तीसरा कार्य, माता रानी को सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित कीजिएगा, चाहे जितना भी आप कर पाइए। 16 श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं या फिर मुख्य श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं, ये जरूर आप लोग आखिरी सोमवार को करके आइएगा। चौथा कार्य, मंदिर में कुछ न कुछ दान जरूर दे दीजिएगा, अन्नदान, वस्त्रदान, आर्थिक दान, कुछ भी जो हो सके आप लोग मंदिर में दान जरूर कर दीजिएगा इस आखिरी सोमवार पर। यही समझ लीजिए आपका एक तरह से उद्यापन हो गया। पांचवा कार्य, आपको क्या करना है, दीपदान। जैसा कि मैं पूरे सावन माह में वीडियो में बताती आई हूं कि आप लोग जितनी भी संख्या में दीपदान कर सके ये बहुत ही पुण्य का कार्य होता है, तो आखिरी सोमवार पर आप लोग दीपदान मंदिर में जरूर कीजिएगा। और दूसरा, बेल वृक्ष के समीप आप लोग दीपदान कर दीजिएगा, 5 दीपक, 21 दीपक, 11 दीपक, 108 दीपक, जितना भी आपसे हो सके आप लोग दीपदान संध्या के समय जरूर कर दीजिएगा। छठा कार्य, इस दिन यदि हो सके संभव तो एक ब्राह्मण को भोजन जरूर करा दीजिएगा आखिरी सोमवार पर।
ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। जितना भी आपसे हो सके संभव, एक ब्राह्मण दो ब्राह्मण आप लोग भोजन करा सकते हैं, तो घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप लोग भोजन अवश्य ही कराएं। सातवां कार्य मैं बता रही हूँ कि आप लोग शिव जी को एक वस्त्र जरूर अर्पित कीजिएगा, पीला या सफेद। सफेद वस्त्र अर्पित किया जाता है भगवान भोलेनाथ जी को, पीला भी कर सकते हैं। एक वस्त्र जैसे धोती है, गमछा है, इस तरह से आप लोग वस्त्र भगवान भोलेनाथ जी को अब अर्पित कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जल का पात्र। शिव मंदिर में जल का पात्र मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, लेकिन मान लीजिए आप लोग नहीं कर पाए हैं सावन माह में, तो इस आखिरी सोमवार पर ये कार्य अवश्य ही कर लीजिएगा। आठवां कार्य, पूरे सावन माह में आपने बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाया होगा, इस आखिरी सोमवार पर आप लोग एक बेलपत्र, पांच बेलपत्र, 21, 11, 108, 51, जितना आपसे हो सके आप एक बार राम नाम लिखकर जरूर अर्पित कर दीजिएगा, चाहे एक ही बेलपत्र अर्पित कीजिएगा। नौवां कार्य आपको क्या करना है कि इस दिन माता जी को श्रृंगार की सामग्री तो आपने मान लीजिए चढ़ाई, अगर हो सकता है तो एक चुंदरी या साड़ी माता जी को, माँ पार्वती जी को अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। और वहां से आप माता जी को जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है उसमें से यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो अलग से जो बहने हैं, माताएं हैं, सुहागिन बहने, वो सिंदूर अर्पित करके उस सिंदूर को अपने मांग में जरूर भर लेंगी, या थोड़ा सा लाकर अपने घर के सिंदूर की डिब्बी में भी डाल सकती हैं। तो माता जी को चुंदरी या साड़ी आप लोग जरूर अर्पित कर दीजिएगा। दसवां कार्य, जो भी हमारी माताएं बहने हैं इस दिन 16 श्रृंगार जरूर कर लेंगी मंदिर जाते समय, या सुबह मंदिर जाते समय समय नहीं है तो आप संध्या के समय भी पूरा 16 श्रृंगार करके मंदिर में जाकर दीप दान वगैरह कर सकती हैं, मंत्र का जप कर सकती हैं, तो इस दिन श्रृंगार आप लोग अवश्य ही कर लीजिएगा। ये 10 कार्य आप लोग सावन के आखिरी सोमवार पर जरूर कर लीजिएगा, माता रानी से अपने सुहाग के लिए, अपने संतान, अपने परिवार सभी के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लीजिएगा, अपनी जो भी आपसे गलती त्रुटि जो भी रह गई है, हो गई है, उसके लिए क्षमा मांगिएगा। तो ये 10 कार्य आप लोग कर लीजिएगा। और उद्यापन के विषय में तो मैंने बताया कि इस तरह से उद्यापन करना है तो अगले साल कीजिएगा, नहीं तो यही उद्यापन हो गया आपका और फिर अगले वर्ष से आपको सावन सोमवार का व्रत रखना ही है। तो आप सभी लोगों को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके ऊपर बना रहे। फिर मिलती हूँ ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।